इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत वो चार कैटेगरियां जिनको जो है स्मार्टफोन दिया जाना है, जैसे कि पहली कैटेगरी है विधवा एकल नारी पेंशन, नरेगा में 100 दिन रोजगार करने वाले, या फिर शहरी रोजगार में 50 दिन करने वाले, या फिर किसी भी सरकारी महाविद्यालय या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को जो मोबाइल फ़ोन दिया जाना है, उनमें से एक कैटेगरी है नरेगा में 100 दिन रोजगार करने वालों की। तो आप किस प्रकार से पता कर सकते हो कि आपके जो नरेगा में 100 दिन रोजगार हुआ है या नहीं, किस प्रकार से चेक कर सकते हो आपके नरेगा जॉब कार्ड में, तो इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ। आप अपने परिवार के पूरे कार्य दिवस की जो है सूची किस प्रकार से निकाल सकते हो, कम्प्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो नरेगा जॉब कार्ड की लिस्ट निकालने के लिए आपको कोई से ब्राउज़र ओपन करना है। मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो आप मोबाइल फ़ोन में भी फॉलो कर सकते हैं। आप मोबाइल में कोई से ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ लिख के सर्च करेंगे एम नरेगा स्टेट, यह लिख के अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने नरेगा की जो इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं राजस्थान वालों के लिए बता रहा था, राजस्थान वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अपनी पंचायत या ब्लॉक आपको सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी ब्लॉक हो, आपका जो भी पंचायत लगती हो वो सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में ये डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ आपको फर्स्ट वाले इसमें आपको चौथे नंबर का कॉलम मिलेगा, जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद में आपके सामने जॉब कार्ड की इस प्रकार से पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। आप जिसका भी यहाँ से चेक करना चाहते हो, जिस भी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने परिवार में से किसी एक दो जॉब कार्ड का यहाँ से चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि वो पात्र हैं या फिर नहीं। तो कंप्लीट यहाँ से जैसे आपको यहाँ जॉब कार्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपको जॉब कार्ड नंबर शो हो रहे हैं इन पे आपको क्लिक करना करना है, तो आपका जो जॉब कार्ड है वो खुल जाएगा। इस प्रकार से आपको जॉब कार्ड की डिटेल देखने को मिल जाएगी, कितने मेंबर आपके जॉब कार्ड में वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कार्य दिवस की सूची शो होगी, कितने दिन आपके परिवार ने जो जॉब कार्ड में कर रखे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 100 कार्य दिवस तो मिल जाएंगे आपको किसी भी वर्ष, लेकिन आपके 2022 एंड 2023 के अंतर्गत 100 कार्य दिवस होने चाहिए। तो यहाँ आपको लास्ट वाले ऑप्शन या लास्ट वाले सूची पे आना है, यहाँ पे आपको देखना है इस जगह और इस जगह टोटल ये दोनों मिला के 100 होने चाहिए। अगर ये दोनों मिला के आपके 100 नहीं हो रहे तो आप जो है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए पात्र नहीं है, आपको स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। आपने पहले चाहे 100 कार्य दिवस कर रखे हो तो वो नहीं चलेगा, आपको जो 2022-23 के अंदर 100 कार्य दिवस आपके रहेगा जॉब कार्ड में आपके परिवार के होने चाहिए। आपके परिवार में कोई भी सारे सदस्य मिलकर 100 दिन करें या फिर अकेला एक सदस्य मिलकर 100 दिन करें वो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, लेकिन आपके जो जॉब कार्ड में पूरे 100 दिन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। बाकी आपने पहले 100 जॉब कार्ड में 100 दिन कर रखे कार्य दिवस के तौर पर तो आपको जो स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, आप उसके लिए पात्र नहीं। तो सिर्फ 2022 एंड 2023 का जो सत्र है सेशन है उसमें 100 कार्य दिवस आपके जॉब कार्ड में कंप्लीट होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आप इसका प्रिंटआउट लेना चाहते हो Ctrl+P करके भी इसका प्रिंटआउट आप ले सकते हो और इसको अपने पास में सेव करके रख सकते हो। जो ये नॉर्मल जानकारी थी जिसके माध्यम से आप अपने जॉब कार्ड में 100 कार्य दिवस वाली जो लिस्ट है उसको चेक कर सकते हो आपका नंबर है या फिर। अगर आपके 100 कार्य दिवस है और अगर आपका नाम इसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंदर का नहीं है तो आप 181 पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप वहाँ से अपना जो बेनिफिट है वो उठा सकते हो। हालांकि सरकार ने सभी लाभार्थियों को रजिस्टर ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन फिर भी आपका बाई चांस किसी कारणवश रह जाता है तो आप 181 पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बाकी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और किस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, इसका मैंने डेडिकेट वीडियो पहले से बना के अपलोड कर रखा है, आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से चेक कर सकते हो। साथ ही आपको इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित किसी प्रकार के और क्वेरी या फिर किसी प्रकार और क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, हमें बता सकते हो। और
ऐसे ही स्मार्टफोन योजना से संबंधित और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ऐसे और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।